Hello students, how are you all? I hope you all are fine and happy with your family. Okay, students, आज हम लोग सीनरी पिक्चर का रिवीजन करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बनाया था. आपको याद है ना? बच्चों, आपके पास ड्राइंग शीट है तो ड्राइंग शीट में प्रैक्टिस करना है. अगर ड्राइंग शीट नहीं है तो आप कोई भी पेपर ले लो, ओके? या फिर ऐसा न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, ओके? पहले न्यूज़पेपर को हम लोग स्लिपिंग लाइन में रखेंगे उसको, ओके? फिर हम लेफ्ट साइड पे पहले टू डॉट रखेंगे, वन और ऐसे टू. फिर ये वाला जो पार्ट है और ये वाला, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो डॉट है वहां से हम स्केल की मदद से स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करना है? स्लिपिंग लाइन ऐसे, बराबर. फिर ये सेकेंड पॉइंट से हम लोग ग्रास बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे बड़ा सा स्लीपिंग सी एंड वन सी हियर, तो ऐसे दो स्लीपिंग सी बना लेना है. फिर उसको छोटे छोटे स्लीपिंग और स्लैंटिंग सी से ज्वाइन करेंगे, ऐसे वन टू थ्री. फिर यहाँ पे स्लीपिंग और एक स्लैंटिंग, ऐसे, ओके? फिर यहाँ से हमको कोकोनट ट्री बनाना है, तो कोकोनट ट्री के लिए पहले हम लोग ट्री का ट्रंक बनाएंगे. तो यहाँ से आपको ऐसे काउल लाइन लेके नीचे जाना है और ये यहाँ पे जॉइंट करना है. और आपको पता है ट्रंक यहाँ से स्पेस उसकी ऊपर से कम होती है और यहाँ पे ज्यादा होती है, तो यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो स्पेस बढ़ती जाएगी और यहाँ से नीचे से स्पेस बढ़ती जाएगी, ऐसे ज्यादा होगी. यहाँ ऊपर स्पेस कम रखना है और यहाँ पे बॉटम में स्पेस ज्यादा रखना है. फिर ये जो ट्रंक की ये जो अंदर का जो ये पार्ट है, ये स्लीपिंग लाइन है अंदर, वो हमको बाद में रब करनी है, ओके? तो ऐसे रब कर लेना है. फिर हमको क्या करना है, ट्री के लीव्स बनाने के लिए हमको यहाँ पे ऐसे एक्स फॉर क्रिसमस ट्री चाहिए, तो आपको ऐसे यहाँ पे स्लांटिंग एक्स फॉर क्रिसमस ट्री बना लेना है, ऐसे, बराबर, ऐसे. फिर ये आपको फिर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिडल पॉइंट है उसको आपका वो पॉइंट ये ट्रंक के सामने आना चाहिए. फिर वहां से आपको ऐसे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर. फिर क्या करना है आपको, ये सारे जो एंड पॉइंट है, ये लाइन के एंड पॉइंट, वहां से हम लोग वी ड्रॉ करेंगे, स्लीपिंग वी, स्टैंडिंग वी, ऐसे. देखो यहाँ से ऐसे वी बनाया, सब लाइन के पॉइंट से ऐसे आपको वी बना लेना है, ओके? फिर उसको कर्व लाइन से जॉइन करना है सारे ये वी को. पहले यहाँ पे ट्रंक के पास ऐसे जॉइन करेंगे, ऐसे कर्व यहाँ ट्रंक में लेकर आए, फिर वापस वहां से ये वी को जॉइन कर लिया. फिर अभी यहाँ से शुरू करेंगे कर्व, फिर ये वी से वापस ऐसे कर्व करके इसको जॉइन करना है, ऐसे ही सारे आपको कर्व करके जॉइन कर लेना है, ऐसे हो गया ना. फिर आपको ये वाला जो है
आपको अंडर की सारी लाइन आपको रब कर लेनी है ऐसे। अच्छे से बराबर। फिर आपको क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर माउंटेन बनाएंगे, तो माउंटेन के लिए हम लोग माउंटेन के लिए वी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमको ऐसे ऑपोजिट वी बनाना है, तो पहले यहाँ से हम ऐसे अप जाएंगे, फिर वहां से ऐसे डाउन, फिर आधा यहाँ से, फिर ट्री के पीछे की साइड होगा, फिर वापस यहाँ से दूसरा माउंटेन ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस, फिर से यहाँ पे एक और, तो ऐसे तीन माउंटेन आपको बनाने हैं। फिर ये दो माउंटेन के बीच में हम लोग सन बनाएंगे, तो उसके लिए हम ऐसे सी ले लेंगे पहले, ओके स्लिपिंग सी। फिर वहां से आपको ये लाइन से सारी छोटी बड़ी ऐसे स्लांटिंग लाइन, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी छोटी ऐसे ज्वाइन करके सन उसकी ये रेज हो गई सन की, तो हमारा सन रेडी हो गया। अभी यहाँ पे ऊपर की साइड हमको टू बर्ड बनाने हैं, तो वहां पे हमको कव वी यूज करना है उसके लिए, ऐसे कव वी, ओके ओके। नाउ यहाँ पे हम लोग ये हमको रिवर दिखाना है, ओके तो यहाँ पे हम लोग पहले ऐसे वेविंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कौन सी लाइन? वेविंग लाइन। तो ये हमारा जो है वो रिवर हो गया, और रिवर में हम लोग ऐसे वाटर की लाइन दिखाएंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे वेविंग लाइन ड्रॉ करनी है, और सब लाइन के बीच में ऐसे स्पेस रखनी है, ओके तो ऐसे स्पेस जगह रखते हुए आपको ऐसे लाइन खींच लेना है। तो ये हमारा हो गया वाटर और रिवर। फिर यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स बनाएंगे, ओके तो उसके लिए हम ऐसे ओवल यूज करेंगे, और ऐसे फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्टोन्स, वन टू और ये हो गया थ्री, ओके तो ये हमारा सीनरी पिक्चर रेडी हो गया है ना। तो बच्चों आप लोग ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करते रहो, ओके और यही पेपर यूज करना, अगर आपके पास ड्राइंग शीट नहीं है तो इसके ऊपर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे अच्छे से आप बना पाओगे, ओके बाय चिल्ड्रेन, टेक केयर।